मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एक आपका पर्टिकुलर सोशल फॉर्मेशन है यानी एक तरह की सोसाइटी है ये फॉर एग्जाम्पल एनशियन सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी तो एक तरह के मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है ये एनशियट मोड ऑफ प्रोडक्शन फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन ठीक है तो एक तरह का सोशल फॉर्मेशन है ये अब मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है कॉम्बिनेशन है किसका इसका ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ये दोनों कंबाइन होते हैं और मिलकर बनाते हैं आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के आपके कि टूल्स हैं टेक्निक्स हैं ठीक है टेक्नोलॉजी है अलग अलग तो डिफरेंट फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ये जब भी मैन है वो आ, किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर प्रोडक्शन करना होता है तो आपस में मैन कम्स इन रिलेशन विद अदर मैन एज वेल एज थिंग्स फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के साथ में भी एक रिलेशन बनता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन अब इसमें छः इवोल्यूशनरी मोड ऑफ प्रोडक्शन है सबसे पहले आपका था प्रिमेटिव कम्युनिज्म ठीक है तो इसमें कोई भी ये क्लासलेस सोसाइटी थी कोई क्लासेस नहीं थी तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं था धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी नए टूल्स टेक्निक्स आए प्रोडक्शन होने लगी तो कुछ सरप्लस कुछ प्रॉपर्टी बनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट हुआ तो निगेशन हुआ निगेशन प्रिमेटिव कम्युनिज्म से क्या बना फिर आपका एनशियट सोसाइटी बनी एनशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन तो एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में आपका मास्टर स्लेव थे इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन था फिर इसका फिर निगेशन हुआ फिर आपका क्या बना फीडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर लोड और सर्व्स के बीच में जो है आपका कॉन्ट्राडिक्शन है तो यहाँ पर लोड और सर्व्स के बीच में यहाँ पर क्लास स्ट्रगल भी तो उसके बाद फिर से निगेशन हुआ क्वालिटेटिव चेंज हुआ और क्या बना आपका कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें आपके और आए इनके बीच में क्लास स्ट्रगल भी इनके बीच में क्लास स्ट्रगल भी तो क्वालिटेटिव चेंज आए निगेशन हुआ ठीक है तो ये निगेशन निगेशन है आपके दोनों फूडलिस्टिक और कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या है आपकी निगेशन एम निगेशन फिर आपका आ, क्लास स्ट्रगल हुआ रिवोल्यूशन हुआ प्रोली ने जो है बोर्जिया को ओवरथ्रो कर दिया और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोली हुआ वो आपके सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है फिर जो है ये सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन टेम्प्रेरी एक स्टेज बताई है मार्क्स ने इसको फिर बताया कि फिर उसके बाद अल्टीमेटली क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी फिर से कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाएगी जैसे स्टार्टिंग में प्रमेटिव कम्युनिज्म था कोई क्लास नहीं थी सेम लास्ट में भी क्लासलेस सोसाइटी बनेगी अब ये जो ये हर स्टेज के ऊपर जो मोड ऑफ जितने मोड ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पर क्लास स्ट्रगल जो है वो एक एमिनेंट फैक्टर है कि हर जगह क्लास स्ट्रगल हुआ है और फिर जो है चेंजेस हुए हैं सोसाइटी नई नई सोसाइटी में मर्ज हुई है और ये अलॉन्ग हिस्ट्री uh, जो है मार्क्स ने इसको स्टडी किया है डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को फिर मार्क्स ने बताया इवन सजेस्ट किया कि कुछ सोसाइटीज में जो है एक डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकता है जो बताया फॉर एग्जाम्पल उसने उन्होंने बताया कि एशिएटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एक है ठीक है तो एशिएटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है एक डिपार्चर है फ्रॉम डायलेक्टिकल मेटरलिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी सोसाइटी जो मार्क्स ने बताया था डायलेक्टिक मेटेलिज्म है तो उसे डिपार्चर है बिकॉज वैसे तो डायलेक्टिकल मेटरिज्म में क्या आपका कि एक कॉन्ट्रोडिक्शन है डिफरेंट फैक्टर्स हैं डिफरेंट क्लासेज हैं कॉन्ट्राडिक्शन है और मटेरियल बेसिस पे क्लासेज बनी हुई है आपकी ठीक है लेकिन एशियटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या आपका सिंपल प्रोडक्शन मैथड है सेल्फ सफिशेंट विलेजेज है एबसेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है ठीक है इकोनॉमी आपकी हैंडीक्राफ्ट ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है ना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे तो कोई क्लास स्ट्रगल भी नहीं है इस तरीके से जो है मार्क्स uh, ने इसको एक्सप्लेन किया एसिटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को जो एक तरह से डाइवर्जन है मार्क्स uh, से बाकी एक मेजर कॉन्सेप्ट है इसका क्रिटिसिज्म क्या कह सकते हैं कि ओवरऑल मिसफिट है डायलेक्टिकल स्कीम जो मार्क्स ने दी थी उसके अंदर इसके अलावा एक्चुअल उस टाइम की ओरिएंटल सोसाइटी जो थी उस टाइम की उनकी एक एग्जैक्ट पिक्चर पोर्ट्रे नहीं करता है मोड ऑफ प्रोडक्शन का ओवरऑल एक तो ये नैरो मार्क्स को uh, सभी फैक्टर्स को रिड्यूस बताया एक ही चीज मेन है वो बताया इकोनॉमी मटेरियल ठीक है तो इकोनॉमी को उन्होंने मेजर जो है रिड्यूस किया इकोनॉमी के अंदर आके फिर उसके अलावा प्रोडक्शन को ही इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है प्रोडक्शन पे ही लिमिट किया अपने आप को कंजम्पशन को इग्नोर कर दिया जबकि कंजम्पशन भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक बिहेवियर बिहेवियर सोशल को ड्राइव करने में फिर उन्होंने फेमोनिस्टिक डायमेंशन को इग्नोर किया ठीक है जबकि पेट्राइकी को देखा गया है इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म में फिर फ्यूचर जो बताया प्रोडिक्ट किया मार्क्स ने तो उसमें उन्होंने बताया कि क्लासलेस सोसाइटी बनेगी तो एक तरह से सोशल जस्टिस के साथ ऑब्सेशन है मार्क्स का ठीक है उन्होंने बताया कि लास्ट में भाई जाके प्रोडिक्शन दिया कि डायलैक्टिक प्रोसेस खत्म हो जाएगी कोरोडिक्शन नहीं रहेगा सब आपस मेल जोल बढ़िया ढंग से रहेंगे लेकिन ऐसा बट कोई ना कोई किसी तरह की इनक्वलिटी रहेगी ठीक है एक तरह से एक आइडियल सा एक उन्होंने फ्यूचर बता दिया जो कि पॉसिबल नहीं दिखता है दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत